नमस्कार। आज की कक्षा में हम जानेंगे परिमेय संख्या का व्युत्क्रम अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम अथवा रेसिप्रोकल अथवा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसे कहते हैं और इसे कैसे प्राप्त करते हैं। इसकी परिभाषा यह है, एक परिमेय संख्या सी बाई डी दूसरे शून्येतर यानी नन जीरो संख्या ए बाई बी का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम, जिसे अंग्रेजी में रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं, कहलाती है यदि ए बाई बी इंटू सी बाई डी इजकल टू वन। अर्थात इन दोनों परिमेय संख्या को अगर गुना करें तो एक आना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे तीन बटे सात का व्युत्क्रम सात बटा तीन है, क्यों? क्योंकि तीन बटा सात गुना सात बटा तीन बराबर एक। तीन बटा सात का व्युत्क्रम सात बटा तीन होगा और सात बटे तीन का व्युत्क्रम तीन बटे सात होगा। अब आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो एक एक प्रश्न को लेते हैं। यहां पर छह प्रश्न है। पहला प्रश्न, -13 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -1/13। ऐसा क्यों? क्योंकि -13 इंटू -1/13 बराबर एक। अब दूसरा, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -19/13। क्योंकि -13/19 गुने -19/13 बराबर एक। तीसरा नंबर है 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 5, क्योंकि 1/5 गुना 5 बराबर 1। चौथा नंबर है, -5/8 गुने -3/7 का
गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए इसे हम सरल करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। बगैर सरल किए, बगैर सिंप्लीफाई किए हम इसका प्रतिलोम लिखेंगे। तो यहां माइनस 5/8 था, तो यहां पर हम लिखेंगे -8/5 इंटू, और इसे भी हम उलट देंगे तो ये हो जाएगा -7/3, क्योंकि -5/8 गुने -3/7 गुना -8/5 गुना -7/3 बराबर 1। अब पांचवा नंबर, -1 इंटू -2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, -1 का तो गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होगा, है ना, -1 गुना -5/2। चलिए अब छठा और अंतिम, यह है -1। तो अभी हमने कहा था इससे पूर्व ही कि -1 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर ये हो जाएगा -1/1 अर्थात -1। ये स्वयं हो जाता है, -1 का गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं -1 ही है। इसी तरह से 1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी 1 ही होता है। आशा है कि गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम क्या होता है, किसे कहते हैं और कैसे इसे प्राप्त करते हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।